हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अजय कुमार और आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल वी आर नवोद्यान में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों वीडियो कैसे हैं आप लोग, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल वी आर नवोद्यान में। दोस्तों आज के इस नई वीडियो में मैं जवाहर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ दोस्तों, साइंस में जो अब की बात पूछे जा सकते हैं। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और काफ़ी अच्छे सारे क्वेश्चन हैं, तो आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हर एक क्वेश्चन करने के लिए आपको 5 सेकंड का जो समय है वो दिया जाएगा, तो आपको उसी समय में अपना क्वेश्चन करना है और देखना है कि आपका जो सवाल है वो सही है ना नहीं। तो ये क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, ये हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और अब की बार भी पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को जरा सा भी मिस ना करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो देख लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आ रहा है दोस्तों, सुषम जी पाए जाते हैं। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं रेगिस्तान, दलदली क्षेत्र, पानी में, ये सभी। दोस्तों ये सुषम जी होते हैं वो सभी में पाए जाते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, और क्या आप ये सवाल कर पाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रसोई घर के बर्तन बनाने हेतु उपयोग किया जाता है, क्या किया जाता है। तो मेलामाइन, PVC, लोहा, स्टील। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्टील इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, रसोई घर के बर्तन बनाने के लिए हम उपयोग करते हैं स्टील का। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो खरीफ की फसलें हैं किस महीने में बोई जाती हैं। जो खरीफ की फसलें हैं दोस्तों किस महीने में बोई जाती हैं, आपको बता देता हूँ इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इन्हें जून जुलाई में बोया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या दे रखा है, जून जुलाई, यानी कि इनको वर्षा ऋतु में जो कि बोया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। तो अभी आपको सभी क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो वीडियो में कोई मिस्टेक हो गई तो आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि वीडियो काफ़ी जल्दी जल्दी मैं बना रहा हूं आपको। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा, क्वेश्चन को आपको नोट कर लेना है। ठीक है, और जो आंसर है इनके जो, ये भी आपको नोट करने हैं, और इनमें से जो सही आंसर है वो आपको उसका राउंड करना है। ठीक है, आपको सही करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो एडस रोग है किस विषाणु से होता है। दोस्तों जो एडस रोग है दोस्तों, उसका विषाणु का नाम पूछा गया है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा HIV, एक विषाणु HIV ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। इस नाम का कोई विषाणु होता है एक, तो उससे जो रोग होता है हमारा एडस रोग। तो ये देखिए, मानव निर्मित रेशा किससे बनाया जाता है। जो मानव निर्मित रेशा है दोस्तों किससे बनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पेट्रोरेटाइन से बनाया जाता है। जो मानव निर्मित रेशा है वो किससे बनाया जाता है, पेट्रोरेटाइन से। ठीक है, तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो अगला देखिए, प्राकृतिक रेशा कौन सा है, इनमें से एक प्राकृतिक रेशा पूछा गया है। तो रेयन, नाइलॉन, ऑप्शन डी सी देखिए पॉलिएस्टर, और ऑप्शन नंबर डी सिल्क। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिल्क। सिल्क हमारा प्राकृतिक रेशा है, और जो ये रेशे हैं जो तो मानव कर्मित रहते हैं, जैसा कि लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए आपने, जो मानव रेशे किससे बनाए जाते हैं, पेट्रोरेसाइन से, और ये बनाए किससे जाते हैं, पेट्रोरेसाइन से बनाए जाते हैं। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हमारे सेम हो गए, बट ये अलग था। ठीक है, ये पेट्रोरेसाइन से बनाए जाते हैं ये जो तीन है, और ये जो हमारा मानव कृत्रिम रेता है सिल्क। ठीक है, तो ये देखिए, नेत्र लेंस होता है क्या होता है, अभिसारी, अपसारी, अबतल, उत्तल। तो इसका आपको राइट आंसर ढूंढना है और कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, तो इसका मैं बता देता हूँ राइट आंसर क्या है और क्या आप उसको कर पाए दोस्तों, ये आपके लिए क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो आपको करना है कि क्या था इसका आंसर दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो जो नेत्र लेंस होता है वो क्या होता है आपको बताना है मुझे कमेंट करके। ठीक है दोस्तों, क्या आप इसका जो राइट आंसर वो कर पाए दोस्तों, ये डाउटली क्वेश्चन है, बट आपको करना है, आपके पास बुक है तो आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्या बोलता है, कोक में कितने परसेंट कार्बन होता है। तो दोस्तों जो कोक में कार्बन होता है 80-90% तक कार्बन होता है। तो किस में दे रखा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी 80-90%। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीले प्रकाश के साथ जलने वाली ज्वाला के भाग को क्या कहते हैं। दोस्तों जो पीले प्रकाश के साथ मोमबत्ती देखी होगी आपने, उसमें जो पीला प्रकाश का भाग जलता है उसके साथ जलने वाली ज्वाला के भाग को क्या कहते हैं। तो यह इसका आपको राइट आंसर मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए, भूकंपी तरंगों को रिकॉर्ड करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। जो दोस्तों भूकंपी की तरंगें होती हैं दोस्तों क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा रिएक्टर का, आपको पता होगा रिएक्टर का प्रयोग किया जाता है भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सौरमंडल में सबसे तेज घूमने वाला ग्रह है। जो सौरमंडल में सबसे तेज जो ग्रह है वो कौन सा घूमता है दोस्तों,
इसका आपको राइट आंसर आपको पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों जवाहर नवोदय विद्यालय से रिलेटेड हर एक जानकारी मैं लेकर आता हूं आपके लिए, ठीक है दोस्तों। और ये क्वेश्चन बहुत सारे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो जो प्रैक्टिस सेट की वीडियो भी चैनल पर अपलोड किए जा रहे हैं, सॉल्वड पेपर की अपलोड किए जा रहे हैं, तो आपको चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ में वीडियो को लाइक जरूर करना है। तो इस क्वेश्चन का आपको राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको इनको नोट करते रहना है। तो देख लीजिए हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है, इनमें से अधिक क्रियाशील कौन सा है? सोडियम, आयरन, गोल्ड, इनमें से अधिक, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से अधिक क्रियाशील पूछा है इन्होंने, ठीक है दोस्तों, आपको याद रखना है। तो अगर यहाँ सोडियम हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, अगर यहाँ दोस्तों पोटेशियम होता, यहाँ होता पोटेशियम, तो वो इसका राइट आंसर होता, क्योंकि पोटेशियम का उच्चतम मान है वो सबसे ज़्यादा है, पोटेशियम का जो क्रियाशील मान है वो सबसे ज़्यादा है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। और ये दोस्तों किस प्रकार के क्वेश्चन हैं आपने वीडियो में देख ही लिए होंगे दोस्तों, और नोट भी कर लीजिए इन्हें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। वीडियो को कमेंट बॉक्स में लिखें कि मैं किस प्रकार से वीडियो बनाऊँ आपके लिए, ठीक है दोस्तों। आपको वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर और वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करना है तो वीडियो किस प्रकार का लगा। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, लेकर आएंगे आपके लिए जल्द एक और नया वीडियो। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।